एक कहावत बहुत पुरानी है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कहावत एक बार फिर सच साबित हुई जब एक कार अनियंत्रित होकर 2 से 3 बार पलटी खा गई, लेकिन उसमें बैठे पिता और पुत्री को महज मामूली चोटें ही आई। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे पर ग्राम देवलधा के पास एक कार सड़क में पानी जमाव के कारण अनियंत्रित होकर 3 से 4 बार पलटी खाकर सड़क से दूर जा पलटी। इस दौरान वहां पर मौजूद एक युवक ने कार के दुर्घटनाग्रस्त होने का वीडियो अपने मोबाइल पर कैद कर लिया और इसके बाद यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो गया। तो देखिए आप भी यह वीडियो। इस संबंध में डीएसपी ट्रैफिक सुदेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार नागपुर से छिंदवाड़ा की ओर जा रही थी, तभी ग्राम देवलधा के पास सड़क में बारिश के पानी के जमाव होने के कारण कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और 3 से 4 बार पलटी खाते हुए सड़क से दूर जा गिरी। इस घटना में पिता और पुत्री को मामूली चोटें आई हैं और उनके द्वारा ही घटनास्थल से कार को उठवाकर भिजवाया गया। जी, एक कार है MP28CA 8288, स्विफ्ट गाड़ी है ये, मारुति की गाड़ी, सुजुकी की गाड़ी है, और तेज़ गति से ये जब आ रहे थे नागपुर से छिंदवाड़ा शहर की तरफ, और वहाँ पर एक जगह पानी का कुछ जमाव है, तो गाड़ी जब पानी के जमाव में आने पे वो गाड़ी डिसबैलेंस हुई और साइड में जो स्पीड डिवाइडर है, रोड डिवाइडर, उससे टकरा कर वो रोड पे 3-4 वो पलटनी खाई। अच्छी बात यह है कि उसमें पिता और उनकी पुत्री सवार थे जिनको कोई ज़्यादा चोट नहीं आई है और वो गाड़ी भी अपनी उठा के ले गए हैं, तो गाड़ी डैमेज हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक तो सड़क पे पानी जमा हो जाने की वजह से जो स्किट होता है, टायर का एक भाग उड़ गया और इसी बीच वो जाके डिवाइडर टकराई, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। अत्यधिक गति भी इसकी एक वजह है। नहीं, ये एक ट्वीट हमको मिला था और ट्वीट पे हमने अपना रिस्पॉन्स किया और जब हम वहाँ पहुँचे, अगर ये कोई व्यक्ति जो जिनने भी बनाया है, यदि वो अपनी जानकारी और भी हमको अच्छे से दे पाएंगे तो हम उनका स्वागत है आपके माध्यम से। तो इस वीडियो को देखकर सीख मिलती है कि बारिश के दिनों में थोड़ा सावधानी से कार को ड्राइव किया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छिंदवाड़ा।